ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली रत्नागिरी के 2 दिन हो गए हमारे और अभी निकलने का टाइम आ गया है यहाँ से। बाकी एंजॉय किया है, रत्नागिरी बहुत पीसफुल था हमारा राइड। और अभी क्या करने वाले हैं, तो रत्नागिरी में आके तो दिल नहीं भरा है, तो अभी इधर से हम सीधा गोवा निकल रहे। गोवा फुल मज़ा आएगी अभी। गोवा साल के पहले दिन की शुरुआत हमारी गोवा से होने वाली, मतलब सोच रहे हो क्या मज़ा आएगी। तो अभी फटाफट सब हो गया, यहाँ पे सब सामान लोड कर लिया। ये देखो सब सामान अपना आ गया, बस अभी टैंक बैग अटैच करनी है और बस निकलना है। चलो सब सेट, चलो निकलता हूँ मैं अभी यहाँ से। तो चलो फाइनली हमारा सफ़र चालू हो गया और अभी रत्नागिरी को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। सो फाइनल बाय बाय रत्नागिरी। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ गोवा, बट अभी मैप दिखा रहा है कि मालवन, कोकण ये सब करके जाओ या फिर एक और एक रोड दिखा रहा है उसके थ्रू जाओ। तो देखते हैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इधर से रोड ख़राब है। जैसे मैंने वहाँ पे रिसेप्शन में पूछा, यहाँ पे तो रोड ख़राब दिख रहा है। देखते हैं अभी कुछ तो करके ही निकलेंगे। सोच रहा थोड़ा पेट्रोल, मतलब कल यूज़ किया था मैंने, फ्यूल टैंक तो मैंने करा ही दिया था, बट सोच रहा अभी फिर से फुल एक बार करा के रख दूँ या फिर आगे ही करा लूँ। वैसे तो जितना दिख रहा है इसमें तो बाइक नहीं जाएगा, 282 किलोमीटर दिख रहे हैं मेरे को यहाँ से, और गोवा लगभग 300 किलोमीटर के आसपास रहेगा। तो मैं फुल ही करा लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, सेफर साइड चलना सही रहेगा। तो इसको फिर से फुल कर लेता, मतलब टोटल एक एवरेज भी मिल जाएगा क्या कितना चला एक फुल टैंक में फिर से रत्नागिरी से। तो पहले बाइक फुल करा लेता हूँ। फाइनली बाइक फ्यूल हो गई है, अभी 300 का रेंज दिख रहा है, और अगर अच्छे स्पीड से चला तो ये मेरे को गोवा तो बिना फ्यूल अप के पहुँचा ही देगा। हाँ चलो, ये हमारा रत्नागिरी का लास्ट सिग्नल है, इसके बाद कोई सिग्नल नहीं, डायरेक्ट आउट ऑफ रत्नागिरी। हाँ आज मस्त फ्रेश लग रहा है, मतलब पूरी नींद वगैरह पूरी करके निकला हूँ ना, तो मस्त फ्रेश लग रहा है। आराम से 9:30-10 बजे निकला हूँ मैं, और यहाँ से 5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है गोवा, जो कि रोड अच्छा मिला तो शायद उसके पहले ही कवर कर लूँगा मैं। तो देखते हैं अभी, मैं बोला क्योंकि लेट निकलने का सोचा नहीं था, मैं सोचा था क्या सुबह में ही जल्दी 7 बजे के टाइम पे निकल जाऊँ, बट बोला ठीक है 4-5 घंटा ही है तो उतना तो कर लूँगा। तो बोला उससे नींद पूरा कर लेता हूँ वो ज़्यादा सही रहेगा, धूप में गए धूप में कर लेंगे, इतना कुछ नहीं है। बाइक जाते है तो गाड़ी घेऊन जाऊ शकतो का? बीच वर काय बोलत नाही ना? अच्छा अच्छा, इतना मस्त लोकेशन मिला है ना, एक साइड पहाड़ एक साइड बीच, और अभी बाइक जाएगी हमारी बीच पे। ऐसा लोकेशन बहुत कब से चाहिए था मुझे। बाइक लेके जाऊंगा, बट इसका आगे देखो टायर ढस रहा है अंदर ही, इधर से कितने मुश्किल से बाइक अकेले निकाल पाया हूँ। हाँ शायद हम लोग को चल के ही जाना पड़ेगा आगे, और मैं जाऊँगा इधर देखो जाऊँगा तो सही। चलो देखता हूँ, राइडिंग गियर में बीच पे चलने में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है ये। पूरा बीच खाली है देखो, कोई नहीं है इधर, बस यार बाइक आनी चाहिए थी इधर, मजा आ जाती थी। क्या मस्त लग रहा है, पूरे बीच पे बस अकेला हूँ। ये देखो सी बर्ड्स क्या केकड़े भाग रहे इधर उधर, कितने सी बर्ड्स बैठे देखो, अरे उड़े। इस तक नहीं जा पाएगी और टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, तो निकलना सही है।
क्योंकि अभी तक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना है, तो अभी हम निकल रहे हैं। बट सही जगह थी यार, मतलब पूरा पीस था, बस अकेला था वो बीच पे। बाइक उधर पहुंच जाती ना फिर मजा ही आ जाता, मस्त सिनेमैटिक बना लेता उधर। बट चलो कोई नहीं, गोवा भी बाकी है। और धूप, बाप रे क्या धूप हो चुकी है कसम से, ये धूप में गाड़ी चलाना जरा टफ गिर रहा है, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। पूरा राइडिंग गियर पूरा चिपक गया बॉडी में। क्या रोड है यार, मतलब लास्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि सातारा से सिर्फ एक्सप्रेस देखा था मैं, बट ये जो प्रॉपर घाट करके लेके जा रहा है ना हर, और जो कॉर्नरिंग है यहाँ पे नेक्स्ट लेवल है भाई। बस ये धूप ने थोड़ा एग्जॉस्ट कर दिया है अभी, इतनी तेज धूप। और अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा मेरे हिसाब से राजापुर पहुंचने के लिए, फिर उसके आगे और 2-3 घंटा, मतलब टाइम बहुत है अपने पास। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है कि खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये रोड का पहला टोल आ गया है। और ये चालू हुआ है कि नहीं, ये भी चालू नहीं हुआ है, मतलब ये एक्सप्रेस हाईवे जो भी बन रहे हैं, मैंने रत्नागिरी से भी पहले खेड़ वगैरह वो सब जो एरिया था उधर से सब टोल बन रहे हैं, चालू नहीं हुए अभी तक, और बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। एक बार ये सब चालू होगा तो भाई क्या रोड लगेगा ये, जो अगर बीच में, क्योंकि रास्ते में सब काम चालू है, तो बनने के बाद तो ये क्या है, क्या एक्सप्रेस हाईवे है ये। और पंजीम सीधा, मतलब अभी हमें किधर राइट लेफ्ट नहीं करना है, बस चलते जाना है। रोड बहुत प्यारा बना लिया यार, मेरा दिल खुश हो गया। मेरे को बस यही टेंशन था कि रोड कैसे मिलता है, और लाजवाब रोड मिल रहा है। तो अभी लगभग बज रहे 12:15, और मैंने 12:15 तक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी यहाँ से मैं तारकरली के नज़दीक हूँ, कुछ लगभग 9-10 किलोमीटर बाकी रहेगा कारकरली यहाँ से, सॉरी कनकौली, सो माय बैड, कनकौली यहाँ से कुछ 9-10 किलोमीटर है। और पंजीम अभी लास्ट जो साइन बोर्ड था उसके हिसाब से तो वहाँ पे 112 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब डिस्टेंस अच्छा खासा कवर हो गया, बहुत जल्दी में डिस्टेंस कवर किया हूँ मैं। ऑब्वियसली बात है, चल रही गाड़ी कैसी है, 80, 90, 100, 110, 120, मस्ती कर रहा हूँ यार, 80-90 पे चल रहा हूँ। तो अभी बस, और मेरे हिसाब से अगर 110 या 111 किलोमीटर अगर बाकी है तो 1.5 से 2 घंटा और लग सकता है पंजी पहुँचने के लिए, 1.5 से 2 घंटा मैक्स अगर मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ तो। और मेरे को लग रहा तो नहीं कि ये धूप में मैं किधर ब्रेक लूँगा, बट हाँ किधर पानी के लिए या फिर कुछ हाइड्रेट होने के लिए मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मेरे को गन्ने का जूस पीने का मन कर रहा है या फिर नींबू पानी। बट अभी तो कोई दिखा भी नहीं है दोनों में से एक, इसके लिए मैं चला जा रहा हूँ।
ये देखो यहाँ पे कनकावली 4 किलोमीटर है, पंजीम 114 किलोमीटर है और ओरस 24। ठीक है, अच्छा खासा डिस्टेंस अपन कवर कर रहे हैं। ग्रेट जॉब फ्यूरी। कनकावली नाव आ गया हूँ मैं इधर और मस्त सिटी है, बट ये एक्सप्रेस हाईवे किधर भी नहीं छूटना चाहिए यार, ये बहुत सही लेके जा रहा है ना इधर से। मैंने जितना सुना था जैसे वाटर स्पोर्ट वगैरह गोवा में होते वैसे कनकावली में भी बीचेस पे होते हैं, बट गॉड नोज क्योंकि मैं अभी कभी कनकावली में अंदर नहीं गया हूँ, सो नो आइडिया। वेलकम टू गोवा। टाइम है अभी तक, मगर गोवा का क्लाइमेट तो पूरा बन गया है, दोनों साइड पे बस पाम ट्री। अभी गोवा यहाँ से पता नहीं कितना किलोमीटर है क्योंकि कुछ ये साइन बोर्ड पर कुछ तो दिख रहा नहीं है, बस नाम ही आ रहा था, तो किलोमीटर्स का आइडिया नहीं है मुझे कुछ। गैस अभी थोड़ा रुकना ज़रूरी है कि मैं सोच रहा हूँ कलिंगड़ खा ही लूँ, थोड़ा रिफ्रेश हो ही जाते हैं। नॉन स्टॉप 3-3.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ मैं। मजा आ गई बाबा, और क्या धूप है, ये धूप की वजह से मैं रुकने का सोचा। मस्त कलिंगड़ खाते और फिर निकलते। ज़्यादा ही बड़ा स्विच हो गया ये हमारा। हालत कर दी बाकी, क्या तेज धूप हो गई है, तो अभी भी आएगा 1-1.5 घंटा रास्ता बाकी है, 1-1.5 घंटा तो अभी करना ही है। आप रे बाइक का सीट क्या गर्म हो गया यार, बट चलो थोड़ा रिफ्रेश तो लगा, पूरा गला सूख गया था मेरा। चलो ऑल सेट, निकलते अभी, लास्ट का 1-1.5 घंटा है बस, बस इतना कवर कर लिया तो पहुंच जाएंगे। बट ये धूप, ये धूप लिटरली हालत कर रही है। अभी यहाँ से आएंगे 6-7 किलोमीटर बस सावंतवाड़ी रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ अभी मैं सावंतवाड़ी। पिछले बोर्ड पे देखा था तो वहाँ पे 10 किलोमीटर था, बट वास्को 87 किलोमीटर हो गए हम लोग गोवा में, तो ऑलमोस्ट एंटर हो गए अभी। यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, मतलब ये कल रात का सब था। आई गेस अभी एक अच्छे हाईवे वाले रोड की लाइन खत्म हो जाती है, अभी लोकल में हम सावंतवाड़ी भी क्रॉस हो गया, और अभी अंदाज़ा तो नहीं है कितना रहेगा यहाँ से लगभग, बट 2 बजे तक मैं रूम पे रहूँगा शायद, ऐसा मेरा गट फीलिंग मुझे बोल रहा है।
जैसे बोला था पंजी 46 किलोमीटर, मड़गांव 88, बैंगलोर 406। ये देखो 31 का चेकअप, सब गाड़ी चेक हो रही है। देखो ये चेक पोस्ट पे से पास हो गए, फिर आगे कुछ नहीं इशू, इधर चेक पोस्ट मिलना ही मिलना है। बाइक वगैरह के लिए तो कभी नहीं हुआ, मतलब होता होगा बट आज तक हमने तो नहीं देखा, लेकिन हम लोग को तो कभी नहीं रुका है। हाँ, कार वाले को तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है चेक पोस्ट, वो लोग को रुकना ही रुकना है उधर। ये किधर आ गया, मंगल ग्रह पे तो नहीं आ गया ना? पूरे रेड पहाड़, घर से तो गोवा जाने के लिए ही निकला था, मंगल पे कैसे आ गया पता नहीं। देखो ना पूरा रेड पहाड़ है, आगा बीच, बस 20 किलोमीटर और बस पहुंच गया। अभी जैसे बोला था 2 बजे तक पहुंच सकता हूं मैं, और 1:40 हो रहे, जिसमें मैंने बीच में 15 से 20 मिनट का हॉल्ट भी लिया था कलिंगड़ खाने के लिए, वरना और जल्दी वाला, अभी तक तो पहुंच ही गया रहता फिर मैं। अरे हमें मैप से ज़्यादा हमारे बाइक पर भरोसा है, पता है बाइक कितना हमारी कवर कर लेगी। बस एक बार कभी ऐसा हो रहा है होटल पहुँचो, कभी स्विमिंग पूल में जाओ, ऐसा हो गया है मुझे, इतना ह्यूमिडेट हो चुका अंदर से, फुल एग्जॉस्ट। ओह, यहाँ की पब्लिक हाईवे पे गार्डन जैसा चलती है लगता है। मापसा पोंडा, सो ये रही हमारी शुरुआत गोवा, ये है गोवा की शुरुआत हमारी। स्टूडेंट्स देखो, टाइमिंग भी 147 हो रहा है और किलोमीटर रेंज भी अपना 147 है, क्या इतना सिमेट्रिक। और आई गेस अभी बस 10 मिनट मैक्स आया था, उससे कम से टाइम लगेगा, पर मैं सेफ साइड के लिए 10 मिनट बोल रहा हूँ बस। फाइनली आ गया होटल, कूलेंट तक चालू हो गया यार। हाँ, मेरा शहबाज, यहाँ पे लिखा है देखो, थोड़ा स्पेलिंग हार्ड है इसलिए। हाँ, ये यूट्यूब इधर है, यस। बाप रे, बहुत मुंबई से आया हो इधर? हाँ, फुल हालत हो गया। पूल है अंदर है ना, बस पहले जाके फ्रेश होना है बस। ब्रो मैं आपको फ्रेश होकर मिलता हुआ, चलो थैंक यू ब्रो। हाँ, एनवायरनमेंट तो अच्छा है, देखते हैं फटाफट एक बार चेक इन हो जाए तो मैं भी सफल। इतना एग्जॉस्ट हो गया ना अंदर, मतलब लिटरली हालत हो गया अभी। रूम में आ गया हूँ तो ये कुछ ऐसा रूम मिला है, सॉर्टेड है, रीजनेबल प्राइस में मिला है, स्पेशियस है। अभी इधर देखते क्या है। ओहो हो, बालकनी है इधर, और ये कुछ ऐसा है क्लाइमेट, नाइस। बालकनी भी अच्छा पड़ा है, मज़ा आ गया। सो पहले फ्रेश होता हूँ, बहुत गंदा थक चुका हूँ, बहुत ही गंदा थक चुका हूँ, फ्रेश होके मिलता हूँ।